अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर भाजपा के नए अध्यक्ष पर पूर्व विधायक बलदेव शर्मा की ताजपोशी हुई। हमीरपुर सर्किट हाउस में बलदेव शर्मा को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर हमीरपुर जिला चुनाव प्रभारी अजय राणा, विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी, एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, नवीन शर्मा, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा, अंकुश दत्त शर्मा मौजूद रहे। हमीरपुर से प्रदेश कार्य समिति के लिए सुजानपुर से पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, हमीरपुर से विधायक नरेंद्र ठाकुर, बोरन से विधायक कमलेश कुमारी, नादौन से विजय अग्निहोत्री और बड़सर से प्रकाश चंद को सर्वसहमति से चुना गया। हमीरपुर भाजपा के नए अध्यक्ष पर पूर्व विधायक बलदेव शर्मा की ताजपोशी हुई है। हमीरपुर सर्किट हाउस में बलदेव शर्मा को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर हमीरपुर जिला चुनाव प्रभारी अजय राणा, विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी, एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, नवीन शर्मा, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा, अंकुश दत्त शर्मा मौजूद रहे। हमीरपुर से प्रदेश कार्य समिति के लिए सुजानपुर से पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, हमीरपुर से विधायक नरेंद्र ठाकुर, भोरन से विधायक कमलेश कुमारी, नादौन से विजय अग्निहोत्री और बड़सर से प्रकाश चंद को सर्वसहमति से चुना गया। हमीरपुर सर्किट हाउस में संपन्न हुई चुनाव प्रक्रिया के बाद हमीरपुर चुनाव प्रभारी अजय राणा ने विधिवत तौर पर पूर्व विधायक बलदेव शर्मा के नाम की घोषणा की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल की थाप पर नाचकर खुशी का जश्न मनाया और मिठाई भी बांटी। तीसरी बार बीजेपी अध्यक्ष बनने पर बलदेव शर्मा ने कहा कि हमीरपुर में बीजेपी के ग्राफ को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा और सभी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाकर जिला को हुए पिछले चुनावों में नुकसान की भरपाई करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करना प्राथमिकता रहेगी ताकि 2022 के चुनावों में हमीरपुर जिला की पूरी सीटों पर बीजेपी काबिज हो। जिला अध्यक्ष के पद को लेकर बीजेपी में चले हुए घमासान पर बलदेव शर्मा ने कहा कि हर संगठन में छोटे मोटे मन मुटाव होते हैं जिन्हें मिल बैठकर दूर कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी में नए और पुराने दोनों कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी ताकि संगठन को मजबूत बनाया जा सके। जो संगठन को मजबूत करेंगे बूथ लेवल तक और गांव तक जाके जो कार्यकर्ता के साथ जो संपर्क बना के उनको और संगठन मजबूत करना है। हमेशा हमीरपुर जो जिला सबसे आगे रहा हिमाचल में और सभी मीडियों से आशीर्वाद लेके जब धूमल जी यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री रहे तो बहुत अच्छा संगठन हमारा जिला का बहुत मजबूत है। उसको मजबूती से हम सब मिलकर काम करेंगे। अब नुकसान हुआ उसको अभी चर्चा देखेंगे क्या कमियाँ रही उनको ठीक करेंगे और सब मिल बैठ के काम करेंगे तभी काम चलेगा। अब बलदेव शर्मा तो कल्ला कुछ नहीं कर सकता है। पूरे संगठन को साथ लेके सभी लीडरों को साथ लेके सबका सहयोग आशीर्वाद लेके ही आगे संगठन को मजबूत करना है ताकि अगले 22 में हम पांचों के पांच सीटें जीतें। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि पहले मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा 96 से 98 तक। फिर जिला का अध्यक्ष 2 टर्म रहा, मैं 3 टर्म में आपने कहा 2 में 3 टर्म रहा, युवा मोर्चा का भी अध्यक्ष रहा और इसमें जिला का 2 टर्म अध्यक्ष रहा। तो अच्छी टीम पुरानी टीम पूरी आई है। अभी सारी महिला मोर्चा चाहे हमारे पार्टी के लिए पूर्व में अच्छा काम किया है और सब मिलजुल के इसको और संगठित करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, सबसे सहमति बनाई है। पार्टियां चुनाव होता तो मारे मोटे मन मुटाव तो होते ही हैं। अब मिल बैठ के आम राय से सबने देखा, अब सभी लीडर हमारे आए हैं। पांचों मंडलों के नेता धूमल साहब का आशीर्वाद है, पूरा अनुराग जी का आशीर्वाद है, धूमल साहब का है और नरेंद्र भाई जी का है, विजय भाई का है, भाई बहन कमलेश जी का है, सबका सहयोग मिला और सबने 10 लोगों ने जो डेलीगेट थे उन्होंने भी और पांचों लीडर थे उन्होंने सबने समर्थन दिया था। अभी तो एक ही नाम दाखिल हुआ है। छोटे मोटे मंत्री तो घर में भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सब भाई सबसे बैठेंगे मिलजुल के, अच्छी टीम बनाएंगे सबके मिलजुल के ही। जो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको जगह देंगे, पुराने नए सब जोड़ने पड़ेंगे, पुराने को भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, नए भी लेने पड़ेंगे। चुनाव प्रभारी अजय राणा ने कहा कि हमीरपुर में सर्वसहमति से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है और जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा को चुना गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हमीरपुर जिला में जिस तरह से लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया है, इसी तरह अब 2022 में भी बीजेपी जिला में अव्वल रहेगी। मुझे हमीरपुर जिला के सभी नेतागण, कार्यकर्ता सबका सहयोग मिला है और सर्वसम्मति से चुनाव होना बड़ी डेमोक्रेसी में
बहुत अच्छा मतलब महसूस हुआ और स्मूथली सब चीज़ें निकल गई, चुनाव हो गया, बलदीप शर्मा जिला के अध्यक्ष बन चुके हैं और पांचों के पांचों प्रदेश परिषद के मेंबर बड़े आराम से और प्यार से सभी कार्यकर्ताओं ने चुनाव किया है। जो बीत गया सो बीत गया, आने वाली जो समय में 2022 में जब चुनाव होंगे विधानसभा के तो उल्टा होगा। आपने देखा होगा कि लोकसभा में यहाँ से कितनी लीड आई, कितना फर्क था और कितना एकदम तुरंत है। अब मेहनत करेंगे कार्यकर्ता, नया संचार होगा और पार्टी आगे बढ़ेगी और सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी अगली बार जीतेगी।